हाय एवरीवन, मैं हूँ स्वाति। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब अपने अपने ध्यान खुद रख रहे होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये वाले सारी ड्रेपिंग। तो ये एक्चुअली नवरात्रि स्पेशल ड्रेपिंग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपके पास गरबा नाइट में पहनने के लिए कोई लहंगा नहीं है, तो आप साड़ी को ही लहंगे जैसे कैसे ड्रेप कर सकते हो, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं अपनी वार्डरोब से कुछ पुराने चीज़ों से ही मैंने इस लुक को क्रिएट किया है। तो आई होप वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम लहंगे की जो स्कर्ट है ना, उसको प्रिपेयर करेंगे। तो उसके लिए मैंने नॉर्मल एक साड़ी ली है, जो कि सीफन साड़ी है। आप सीफन साड़ी की जगह कोई भी सिल्क साड़ी ले सकते हो। तो ये बहुत ही लाइट वेट है एंड मुझे लगा कि मुझे इस साड़ी के साथ ही लुक को क्रिएट करना चाहिए। तो साड़ी को जैसे स्टार्ट वाले पार्ट से जैसे हम फर्स्ट टक करते हैं, कुछ वैसे ही मैं यहाँ पे टक करूँगी। देन साड़ी की जो पल्ला वाला पार्ट है उसको पीछे की तरफ लेके आऊँगी। एंड मैं यहाँ पे लहंगे की एक्चुअली स्कर्ट आपके साथ शेयर करूँ, स्कर्ट कैसे आप बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो साड़ी की जो पल्ला वाला पार्ट है वहाँ पे जो बॉर्डर है उसको छुपाने के लिए मैंने उसको फोल्ड करके ऐसे आप अपनी लेग्स के हिसाब से देख के जैसे फ्लोर लेंथ रख के आप जो है कुछ इस तरह जो है टक कर सकते हो। तो कुछ इस तरह जो है हम प्लीट्स बनाएंगे। नॉर्मल जो साड़ी की प्लीट्स बनते हैं ना, ऐसे ही आपको प्लीट्स बनानी है। तो एक प्लीट्स आपको बनानी है अंदर जो पेटीकोट के अंदर टक करनी है, दूसरी प्लीट्स बनानी है उसके जस्ट थोड़ा सा साइड में ही दूसरी प्लीट्स को करना है, टक करना है। ऐसे करके हम पूरे प्लीट्स बनाएंगे ताकि हमें जो है स्कर्ट की, तो जितने भी प्लीट्स आप टक करते हो तो आप इतना ध्यान रखें कि सारी प्लीट्स जो है इक्वल हो एंड एक प्लीट से दूसरे प्लीट्स में जितना डिफरेंस होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे पहले राइट साइड से कर रही थी, देन मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड से भी कर ली हूँ ताकि मेरी प्लीट्स जो है इक्वल बन सके। तो मैं यहाँ पे सेम प्रोसेस में लेफ्ट साइड में भी मैं यहाँ पे जो है प्लीट्स बना रही हूँ, कुछ इस तरह आप देख सकते हो। तो आप कोशिश करें कि आगे फ्रंट पे जो प्लीट्स बन रहे वो थोड़ा सा ज़्यादा बने, पीछे से थोड़ा सा अगर कम होगा तो भी चल जाएगा, बट सामने से अगर घेरा अच्छा आएगा तो लुक आपकी जो है अच्छा आती है। तो अगर मैं सजेस्ट करूँगी आपके पास कोई हेल्प करने वाला है तो डेफिनेटली आप उनकी हेल्प लेके ही कीजिए, क्योंकि सामने से करना बहुत ईजी होता है बट पीछे की तरफ जो है कुछ हमें दिखाई दे ही देता है, तो पीछे की तरफ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। दैट टाइम जो है अगर आपकी आपको कोई हेल्प करने के लिए नहीं है तो आप मिरर के सामने जो है खड़े होके आप जो है प्लीट्स बना सकते हो। तो मैं जो है यहाँ पे थोड़ा सा लेफ्ट से ही कर रही हूँ, थोड़ा सा राइट से ही कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है मेरे पास ओनली इतना ही फैब्रिक बचा हुआ है प्लीट्स बनाने के लिए। तो पहले जो है मैं मेजर कर लूंगी कितना प्लीट्स बनाने के लिए है मेरे पास फैब्रिक, तो उसी हिसाब से जो है मैं यहाँ पे प्लीट्स बना रही हूँ। कुछ इस तरह जो है सारे प्लीट्स हम बना के इक्वली जो है पीछे की तरफ जो भी है जो भी प्लीट्स बचा हुआ है सारे प्लीट्स बना के उसको अच्छे से जो है हम टक कर देंगे। तो कुछ इस तरह आप देख सकते हैं सारे प्लीट्स जो है मेरा बन गया है। अगर आप चाहो तो जो हमारे कैन कैन पेटीकोट आते हैं ना उसके ऊपर भी ये वाले साड़ी को ड्रेप करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसमें क्या है ना वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा। हमारे स्कर्ट जो है बन जाने के बाद मैंने एक दुपट्टा ली है जो कि मल्टी कलर में है एंड उसको देखते ही प्रॉपर जो गरबा वाली फीलिंग आती है। तो उसको जो है मैं ऐसे राइट साइड में टक करके पीछे की तरफ ऐसे लेके जाऊंगी। तो नॉर्मल एक साड़ी की लुक भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा ओवरऑल लुक जो है मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वाले लुक कैसे लगा। तो मैं यहाँ पे जो है दुपट्टा को थ्री स्टाइल में कैसे ड्रेप करेंगे आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये हो गया फॉर, तो सेकेंड लुक में मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं कर दी हूँ, बस लेफ्ट हैंड साइड में जो है मैं दुपट्टा को ऐसे प्लीट्स बना के डाल रही हूँ। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आप ऐसे कंफर्टेबल है तो आप एक साइड में दुपट्टा ले सकते हो एंड यहाँ पे चाहो तो आप जो है कमरबंद हो या फिर आप कोई बेल्ट वगैरह ऐड कर सकते हो, उसमें लुक जो है अच्छा लगता है। तो ये है मेरे सेकेंड। तो ये इसके बाद मैं थर्ड लुक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर जो है सारे प्लीट्स बना ली है, जैसे नॉर्मल हम साड़ी की या फिर दुपट्टा की प्लीट्स बनाते हैं ना,
तो कुछ इस तरह जो सारे प्लेट्स मैंने बना ली है। एंड यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो है मेरे शोल्डर के ऊपर ही सारे प्लेट्स को मैंने रख के, एंड पीछे की तरफ आपको लेके आना है, एंड आगे जो है उसका जो एंड जो है आगे की तरफ आप उसको लगा सकते हो। एंड कुछ ऐसे भी आप कर सकते हो, ओवरऑल लुक जो है ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये हो गया मेरे थर्ड वाला लुक। तो ओवरऑल तीनों लुक में आपको कौन सा आपको ज़्यादा अच्छा लगा वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड तो गाइस ये थी आज की वीडियो। वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिए, शेयर करें अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो अभी तक आप मुझे अगर इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किए तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मेरे रील्स चेक कर सकते हैं, मेरे डेली लाइफ की जो अपडेट वहाँ से आप ले सकते हैं, तो वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी हैंडल जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये थी गाइस आज की वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस बाय।